हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे हम अपने जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी इन मंत्रों का यूज़ किया है, मीन्स चैंट किया है, उनको बहुत ही आश्चर्यजनक और शानदार परिणाम मिले हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी तरह के एक पावरफुल मंत्र के बारे में, जिसका जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो मंत्र है ये बहुत ही म्यूजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। जब आप इस मंत्र को चैंट करते हैं तो आपको खुद ही फील होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है। इस मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है और आप एक बार खुद चैंट करके देखिए, आपको तुरंत ही इसका असर देखने मिल जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब आप इस मंत्र को चैंट करेंगे, मीन्स इसका जाप करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कृष्ण है वो है प्रेम है, आकर्षण है। कृष्ण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और हरे मीन्स होता है कि हमारी तकलीफों को, परेशानियों को और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हरने वाले। ऐसे ही श्री राम जो है वो शांति के, सुकून के, सौम्यता के प्रतीक हैं। तो जब हम इन दोनों मंत्रों का जाप करेंगे, तो मीन्स ये दोनों भगवान का जो मंत्र है इनका जाप करेंगे, तो हमारे जीवन में सुख शांति धन दौलत शोहरत इज्जत के साथ में सुकून और सौम्यता भी आकर्षित होगी। इसका एक ही फायदा नहीं है, इसके बहुत सारे वो हैं कि जैसे आपके रिलेशनशिप जो है, आपके आजू बाजू आसपास वालों से आपके यदि कितने भी रिलेशन खराब हैं या अच्छे नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप इस मंत्र को चैंट करेंगे डेली, तो आपके जो रिलेशन हैं आसपास के लोगों से बहुत ही मधुर बन जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, हर मुश्किल जो है वो आसान लगने लगेंगी। देखिए, जीवन है, सुख आएगा दुख आएगा, लेकिन होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो। होता ये है कि सभी के जीवन में दुख ज़रूर आता है, लेकिन कई लोग दुख आता है तो टूट जाते हैं। लेकिन जब आप इस मंत्र को चैंट करते रहेंगे, तो यदि कोई आपके जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो आप उसमें टूटेंगे नहीं, मीन्स एकदम नेगेटिव नहीं होंगे। आपको क्या होगा कि जैसी आपके सामने मुश्किल आई तो आपको उसका हल तुरंत ही मिल जाएगा। ऐसी कृपा रहेंगी श्री राम और श्री कृष्ण की। और एक चीज़ कि कभी कभी होता है कि हमारा जो मन है वो बहुत अशांत रहता है, या फिर ये भी होता है कि रीज़न कुछ नहीं होता लेकिन हम सैड हैं, रीज़न कुछ भी नहीं है लेकिन हम चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको कभी भी अगर लगती है कि आप बेवजह चिड़चिड़ हो रहे हैं, बेवजह आप सैड हो रहे हैं, बेवजह आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र को तुरंत ही जाप कीजिए, इस मंत्र का तुरंत चैंटिंग शुरू कीजिए, आपको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आप इसे डेली रूटीन में शुरू कीजिए, मीन्स स्टार्ट कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए कि आपको 10 मिनट तक इस मंत्र का चैंट करना ही है। तो जब आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे, तो उससे ये भी क्या होगा कि यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपको यदि टाइम नहीं मिलता मेडिटेशन का, तो आप इसे क्या कीजिए कि एक जगह शांति से बैठ जाइए, उसके बाद अपनी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद फिर इस मंत्र को 10 मिनट तक चैंट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके तरफ सारी चीज़ें पॉजिटिविटी और सारी चीज़ें जो विश है वो आप अट्रैक्ट करने लगेंगे श्री कृष्ण की, श्री राम जी की कृपा से। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि ये आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा एक तरह से, तो आपको एक्स्ट्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके एक ही चीज़ से दो काम हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत बन रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारे। तो फिर बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।